हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिवाइंड टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, आप लोगों को वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन मेरे ऑलरेडी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जो ऑलरेडी लाइक कर ले रहे हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग, सपोर्ट एंड लव। आप लोग इतना करते हो मेरे लिए कि क्या ही बताओ। प्लस मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से एक फैमिली वाला कनेक्शन है। आई होप, मुझे एटलीस्ट पता है इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। पता है जब मैं ये सोचती हूँ ना कि आप लोग कितना कनेक्टेड हो, तो मैं ये सोच के ज़्यादा खुश होती हूँ कि चलो यार, इन लोगों को ना सच सुनने की आदत है। वरना मतलब मुझे काफ़ी लोग, जब जैसे फैमिली वाले आसपास के लोग होते हैं ना, तो मुझे बोलते हैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है। ऐसे तो लोगों को जो है इतना सच सुनने की आदत नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को। तो मैं बोलती हूँ यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे खुशी होती है कि यार आज के डेट में भी लोग सच सुनना चाहते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है सच सुनना, उन्हें शुगर कोटेड बातें अच्छी नहीं लगती। तो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि यार सच्चाई के हिसाब से, जो मन में एक होता है ना कि लॉयल्टी से जैसे काम करना चाहिए, बोलते हैं ना सच्चाई से ईमानदारी से काम करो तो तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये वो वाला हाल है जहाँ पे मुझे दिल से खुशी होती है कि यार अगर मैं सच बोलती हूँ तो मेरे साथ मेरा भगवान बैठा है, मेरा यूनिवर्स बैठा है, और आप लोग भी साथ में हैं, साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द लव, सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड दिल से दुआ है आप लोग सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आप लोगों की जिंदगी में ढेर सारी हैप्पीनेस और बहुत सारा प्यार बस भरता जाए, इतना ज़्यादा आ जाए कि आप लोग बोलो कि खुद मेरे चैनल पे आके बोलो दीदी थोड़ा सा वो जो ब्लेसिंग आपने दी थी उसे कम कर सकते हो क्या, क्योंकि कुछ ज्यादा ही आ गया है मेरे पास। तो चलो अब हम लोग ने ब्लेसिंग दे दी, बहुत सारा प्यार बांट लिया, चलो अब हम अपनी रीडिंग पे आते हैं। आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की, आज की और अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, इसमें दो तीन डेक्स यूज करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल यूज करने जा रही हूँ। लेट्स सी आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या आती है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिसका भी इनके दिमाग में ध्यान चल रहा है, पर्सन बेसिकली जो भी इनके माइंड में चल रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति के मन में इस वक्त, अभी इस वक्त, आज अभी इनके बारे में क्या फीलिंग्स है। मैं दो डिफरेंट डेक्स जो है यूज करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है डिसेंडेंट, पालस अथाना, जुपिटर, पता नहीं क्यों अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि जुपिटर का कार्ड जरूर आएगा, सोलार काम एरीज, बॉटम ऑफ द डेक में है स्क्वायर सेमी स्क्वायर, ये वाला वर्ड मुझे बोलने को नहीं होता है, क्वीन कम्स, नहीं क्वीन कम्स, जो भी है यार तुम लोग समझ लेना। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए, ये दूसरा डेक यूज करने जा रही हूँ, पता नहीं क्यों लग रहा है लाइट बंद हो। चलो लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर आज और अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टेम्परेंस, 1 2 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, सिक्स ऑफ कप्स है, एक मिनट, सिक्स, ओके मैं और देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ वापस से कन्फर्म। मुझे ना एक कार्ड का बार बार फीलिंग आ रहा था वो नंबर निकालूं, तो इसीलिए वो नंबर काउंट करके ना वही नंबर निकाला, अंदर से जो फीलिंग आ रही थी बस उसके वजह से काउंट कर रही थी। सो आज की रीडिंग में क्लियरली दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप ज्यादा डील कर रहे हो, जैसे ऑल साइन रीडिंग से, बट जो स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है वो टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और यहाँ पर लिब्रा एनर्जी है, सैजिटेरियस है, कर्क राशि भी है, जेमिनी राशि भी है, ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 2, नंबर 20, नंबर 16, नंबर 14, नंबर 17 ज्यादा स्ट्रांगली दिखे हैं, नंबर 7 भी बहुत स्ट्रांगली दिखा है। ठीक है, सो ये नंबर ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस नंबर के आपके पार्टनर या उनके बर्थ नंबर हो सकते हैं। साथ ही साथ ना मुझे बार बार देखो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि नाम मुझे या ये लेटर मुझे क्यों दिख रहा है, पर मैं जब शफल कर रही थी तभी से मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे ना श करके बार बार आ रहा था, श श मतलब एस एच आ रहा था, एस एच, एस नहीं आ रहा था, एस एच आ रहा था, पर पूरा नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। अगर पूरा प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ऐसा लग रहा है शातिर, शातिर वर्ड आ रहा है बार बार, तो आई डोंट नो, ये शातिर तो किसी का नाम नहीं हो सकता, पर श है और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शातिर। एनी वेट, वॉट सो एवर, इससे आपसे कोई रिलेशन हो इसलिए मैं आपको बताया कि अगर आपको इससे कोई कनेक्टेड है, कोई कनेक्शन है, तो आप लोग जरूर कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स। दूसरा, मुझे ब्लैक कलर का वेलवेट क्लोथ दिखाई दे रहा है, अचानक से दिख रहा है ब्लैक कलर का वेलवेट क्लोथ,
तो अगर आपके आसपास है आप ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। मैं जो इंट्यूशंस या विजन्स होते हैं मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि यार ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। वैसे तो जनरल होती है, कलेक्टिव टाइमलेस होती है, ठीक है। इस एनर्जी में रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था उसमें आपने पेशेंस तो बहुत ज्यादा रखे हैं। ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि पास से बहुत लंबे टाइम तक आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा होप्स रखी है, बट यहाँ पर रोल एक्सचेंज ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोल चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे देखो, अगर ऐसे देखो लोग देखेंगे कि अरे ये तो यूनिटी है, ये तो यूनियन है, ये तो लव है, बट अगर आप देखो तो ये एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर सेमी स्क्वायर की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो लव को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, ये टकराव को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आप ध्यान से देखो ना तो रोल एक्सचेंज हो रहा है, जैसे एक दूसरे की जगह बदली जा रही है। ये जो स्प्लैश दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेस बदल रहा है। अगर आप लोगों को बोरियत हो रही है तो मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाइस एंड वर्सा, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया, दोनों एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं। अब ये कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें ना इस कार्ड को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक होता है ना कि एक रिफ्लेक्शन सा है, जैसे आपका उसमें रिफ्लेक्शन है, उसका आप में रिफ्लेक्शन है, तो कोई रिफ्लेक्शन सा नजर आ रहा है। तो और यहाँ पर देखो नीचे भी रिप्रेजेंट हो रहा है टेंशन, डेफिनेटली रिप्रेजेंट हो रहा है जगह बदलने वाले, यानी कि आप इनकी जगह, ये आपकी जगह आने वाले। अब ये ऐसा क्यों होने वाला है, साइंस पे फोकस करो। यहाँ देखो साइंस भी है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा क्यों होने वाला है, डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली नहीं सोचने वाले, अब आप प्रैक्टिकली ज्यादा सोचेंगे, बट आपके पार्टनर इमोशनल हो जाएंगे। तो रनिंग चेजिंग की गेम ना बदल रही है, ऐसा लग रहा है कि एक जो है दूसरे के पीछे भाग रहा है, दूसरा एक के पीछे भाग रहा है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि कल तक आप गिड़गिड़ा रहे थे इस पार्टनर के पीछे, रो रहे थे, धो रहे थे कि आ जाओ वापस आ जाओ, तुम्हारा वेट है, तुमसे प्यार करती हूँ, फलाना हमका ढिकाना चल रहा था दिमाग में, लेकिन अभी वो टाइम होने वाला है जहां पर आप जो है आगे बढ़ेंगे और ये व्यक्ति आपसे प्रार्थना करेंगे कि प्लीज वापस आ जाओ। तो यहाँ पर ना कहीं सिचुएशन बदल रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हो लेकिन जगह बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की पोजीशन बदल रही है। हीरो हीरोइन की जगह ले रहा है, हीरोइन हीरो की जगह ले रही है, ऐसे ज्यादा। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो स्थिति गुजरी उससे आप बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए। पिछले कुछ टाइम तक आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने खुली बाहों से इंतजार भी किया कि ये व्यक्ति आ जाए और चीजें ठीक हो जाए, बट पिछले लंबे समय तक ये चीजें जैसे एक्सपेक्ट की थी वैसे नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन हम हर बार आपके अगेंस्ट ही गई। जब आपने सोचा कि ये व्यक्ति आ जाए तब ये नहीं आई, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुआ और इश्यूज हुए, और कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के बीच में करंट एनर्जी में डिस्टर्बेंस है। ये आप लोग देखो तो आप दोनों के बीच में गैप आ गई है। अब करंटली ऐसा है कि ना आप इनकी तरफ देखना चाहते हैं ना ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर साथ में प्लस अथेना की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि दिमाग से अब आपने सोचना शुरू कर दिया। अब आपको रियलाइजेशन हुआ है कि आप इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा नीचे झुकते चले जा रहे थे और इस इंसान ने आपको कितनी चोट पहुंचाई है, इसके वजह से आपने कितनी चोट का सामना किया, कितनी तकलीफों का सामना किया, इस इंसान ने आपको कितना ज्यादा नीचे झुकाया आपको एहसास हो गया। प्लस आपके पार्टनर तो ऑलरेडी आपको देख ही नहीं रहे थे, वो तो अपनी धुन में अपनी मर्जी से चल रहे थे। तो यहाँ पर आप देखो डिफरेंसेस आ चुके हैं बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों में हैं, आप उधर देख रहे हो, ये उधर देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में गैप आ गया है। थंडर स्टॉर्म देख रहे हो क्यों आया है, क्योंकि सडनली आपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। आप अब दिल से नहीं सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि नहीं यार जिस तरीके से मैं इस इंसान के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, यार ये इंसान तो मुझे झुकाता चला जा रहा है और मैं इसका इंतजार क्यों करूँ, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या ऐसा हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, इसको अवेकनिंग कहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये वो टाइम है जिसको हम अवेकनिंग असल में कहते हैं। बहुत से लोगों को अवेकनिंग का मतलब ही नहीं मालूम, गलत फहमी में रहते, बनकर दिखाते कि अरे दीदी मुझे रियलाइज हो गया अब मैं ना आप खुद से प्यार करूंगी, पर ऐसा नहीं होता है। अवेकनिंग एक राइट टाइम पे आती है, तो यहाँ पर अवेकनिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है उनको मैं समझा नहीं पाऊंगी, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप लोग मैं वर्कशॉप पे आकर सब सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्कशॉप सितंबर 22 को होने वाला है, लेकिन बुकिंग अभी दो दिन में बंद हो जाएगी, तो आप लोग जल्द से जल्द बुकिंग करवा लो। डिटेल्स स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप का नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, और उस हिसाब से अपनी सीट बुक करा सकते हैं। बस दो दिन में लगभग बंद करेंगे हम, तो आप उसमें आकर जान सकते हो क्या स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें क्या क्या करना होता है, हमारा क्या रोल होता है, एंड में क्या होता है, बहुत सारी चीजों का आपको नॉलेज मिल जाएगा उसमें, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि करंटली आप लोग दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंटली अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर आपके बिहेवियर से इफेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अभी आज की एनर्जी में फेयर ऑफ लॉस हावी है। यहाँ पर देख रहे हो आइसोलेट और रिग्रेटफुल लव, समझ रहे हो। आइसोलेट मतलब क्या हो गया, इस इंसान ने खुद को आइसोलेट कर लिया, इस इंसान ने अपने आप को सडनली चार घेरों के अंदर ले लिया,
मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये इंसान को रिग्रेट हो रहा है अपनी की गई गलती पर, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जो किया पास्ट में वो बेवकूफी का काम था। यहाँ पर देखो पीछे उल्लू की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन अवेकनिंग को, ये भी अवेकनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन आई। अब ये क्यों हुआ, आपकी अवेकनिंग हुई तो इनकी तो होनी थी, आप अवेकन हो ही नहीं रहे थे तो इनकी अवेकनिंग नहीं हो रही थी। अब मैं अगर सरल सरल भाषा में समझाऊं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अवेकनिंग का मतलब ये हो गया है कि आंखें खुल जाना, आपकी आंखें खुद की खुल नहीं रही थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रियलाइजेशन से गुजरे, इनको एहसास हो जाए इनकी गलतियों का। अरे जब आप अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर पा रहे थे तो वो आपकी गलतियों का कैसे समझ पाते, समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने क्या किया। अब आपको जैसे ही एहसास हुआ है कि आपने कितनी सारी जो है इस रिश्ते में उम्मीदें रख के उनके पीछे पीछे भाग के गलतियां कर दी है, अब आप खुद को जैसे ही चुन रहे हैं, प्रैक्टिकल दिमाग से फैसले ले रहे हैं, वहीं अचानक से स्थिति बदल गई है और आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने अब ये क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो अब आपको हाथ से खो बैठेंगे, आप तो उनके हाथ से निकल जाएंगे, अब तो शायद वापस से चीजें ला पाना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं वापस यहाँ पर आपका रिमाइंडर एक वापस से एक झलकी याद दिलाऊंगी, कहाँ फर्स्ट जहाँ पर आप गए थे, दो चिड़िया दिख रही हैं अपना रोल एक्सचेंज कर रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि एक दूसरे का रोल बदलोगे, हीरो हीरोइन बन जाएगा, हीरोइन हीरो बन जाएगा, यानी कि जो रो रहा था वो अब प्रैक्टिकल हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल था वो रोना शुरू कर देगा, वही हो रहा है एग्जैक्टली। अब आप प्रैक्टिकल हो गए तो आपके पार्टनर रोने लगे, मुझे वो वापस चाहिए, उसे मेरी जिंदगी में लाओ। बट आपकी एनर्जी क्या है अभी करंटली, देखो वो आपके लिए रो धो रहे हैं, उन्हें चाहिए आप वापस, कि यार मेरे से मिस्टेक हो गई, वापस आ जाओ, आई एम सॉरी। जुपिटर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है बुद्धि, सद्बुद्धि। जुपिटर क्या है, गुरु है। गुरु क्या होता है, गुरु टीचर होता है। टीचर क्या करता है, टीचर आपको बताता है सही गलत के बारे में, टीचर आपको राह से भटकाता नहीं है, वो आपको बताता है बेटा यहाँ ऐसे चलो वहां ऐसे चलो। द गुरु स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे आ गया, अब क्या हो गया, आपका सिक्का चमक गया और इनका सिक्का गिर गया, मतलब वही हालत हो गया, सिक्का खोटा निकला इनका। जो इन्होंने गलतियां की अब उन्हें रियलाइजेशन आई और आपको रियलाइजेशन आया कि मैं ऐसे इंसान के पीछे भाग क्यों रही हूँ या भाग क्यों रहा हूँ, इससे मुझे कौन से हीरे मोती मिलने, मैं खुद में इतनी जबरदस्त दिखती हूँ या दिखता हूँ, मुझे तो 10 की लाइन मिल जाएगी, 10 लोग ऐसे मेरे लिए लाइन लगा लेंगे, क्या कमी है मेरे अंदर। तो आपको रियलाइजेशन आ गई है। अब आपके अंदर रियलाइजेशन आई दीदी, ये कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि हम जो है रियलाइज कर गए। अब मैं बताती हूँ, ये हो आप भाई साहब, ये है आप, ये जो नैन मटकाते हुए एकदम मटक मटक कर चलते हुए जो आ रहे हो ना स्टाइल के साथ, कौन है आप, हो भाई ये आप हो, स्त्री हो पुरुष हो दोनों के लिए सेम सिनेरियो है, ठीक है। ये आप है फुल स्टाइल में चलते हुए, ऑब्जर्व करता हुआ कौन नजर आ रहा है, कमेंट में अभी तक बता दो, वीडियो देखते देखते बताओ कौन ऑब्जर्व कर रहा है आपको, आपका पार्टनर, आपके बंदे या बंदी, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अब आपको, इन्हें देख के लग रहा है हाय। और आपके देखो आसपास कितनी रौनक है, चमक है, अब इन्हें हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि अब आपको फर्क नहीं पड़ता, देखो आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपके अंदर अब बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई है, अब आपको समझ में आ चुका है सब कुछ, आप समझ गए हो इस उस रूल को कि ये इंसान जो है जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, प्यार तो था पर ऐसे प्यार का अचार बनाएंगे क्या, जिसमें रिस्पेक्ट ही नहीं थी, इस इंसान ने कोई एफर्ट ही नहीं डाला, और अब आपको लग रहा है कि नहीं जब एफर्ट ही नहीं डाला तो अब क्या मुंह उठा कर आ गए, अब तुम्हारा क्या करूं, तो अब आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, पर अब आपके पार्टनर सपने देख रहे हैं आपके वापस लौटने के, हो गया ना उल्टा गेम पूरा, सब चीजें उल्टी हो गई। बट एक अच्छी गुड न्यूज दूं, चलो बता देती हूँ रुको, ठीक है। ये जो कार्ड मैंने निकाला था ना, इसकी एनर्जी का मतलब है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये ना आपको जो ना फुल फुल ठाट से बैठी हुई है एंड सामने वाले को सुन रही है, बट उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है और सामने वाले की मुंडी झुकी हुई है, दिख रहा है, ये आपके पार्टनर है जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्या होने वाला है आगे। कार्ड तो मैंने दिखा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। वो आपसे माफी मांगने वाले हैं, बहुत जल्द होने वाला ही है, माफी मिलेगी आपको उस इंसान से। दीदी मैं माफी का क्या करूं, मुझे माफी नहीं चाहिए, माफी वाफी रखे अपने पास, आते हैं सॉरी बोलते हैं फिर वापस वैसे हो जाते हैं, दीदी वही वापस चलता रहता है, आई एम डन एंड डस्टेड, बस हो गया। एक और खुशखबरी देते हो थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि अब आपके पार्टनर जो है डेविल की एनर्जी में है, डेविल यानी कि उन्हें लग रहा है कि वो अब बस आपको अपनी जिंदगी में दोबारा वापस देखना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रूक वो आपके सपने देख रहे हैं, वो आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, रोध हो रहे हैं, अब उनको अपनी जिंदगी में आपके ना होने का कमी का एहसास हो रहा है, उन्हें लग रहा है अब आप नहीं हो,
तो कुछ भी नहीं है, वो गाना ना, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवान है हसी है। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट इस वक्त आप लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लग रहा होगा बिकॉज आप लोगों से मैच कर रहा है, ठीक है। एरीज की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिमाग का खेल चल रहा है, अब इनके दिमाग में ये है कि इस इंसान को मुझे वापस हासिल करना है क्योंकि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे इस इंसान की जरूरत है। क्यों जरूरत है? जब आप हाथ से निकलने लगे तो अब आपकी कमी का एहसास होने लगा। टेम्परेंस की एनर्जी ये डिफाइन करती है कि आप लोग दोनों किसी से डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन सिक्स ऑफ कप्स टेम्परेंस के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। ट्विन फ्लेम नहीं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। पिछले जन्म में भी आप लोग दोनों की मुलाकात हुई थी, आप दोनों के साथ थे। अब टाइम आ गया है जब आप लोगों को एक होना होगा। वाह दीदी क्या न्यूज दी, एक तो होना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में आ गई है जो रिप्रेजेंट कर रही है अबंडेंस को। ये क्या दिख रहा है? दोनों एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो जो बच्चे हैं ये बच्चे आपके नहीं है, दिल दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, ये आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि पास्ट लाइफ में आप लोग साथ थे, ये नया जन्म है, दोबारा मिले हो, दोबारा कनेक्ट हुए हो, अब जुड़ने का समय आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होगा 1 हफ्ते में हो जाएगा, नहीं तो पगला ही जाओगे सारे के सारे। 1 हफ्ते में नहीं होने वाला है, अब सिचुएशन बदल रही है। अब आपके पीछे ये लगेंगे बट आपको इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये आपकी एनर्जी में, आप देखो ये एनर्जी डेविल है भाई, ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पर, आप इस बात को समझो। ये इंसान अभी नशे में आ रहा है, ये इंसान डेविल की एनर्जी में आ रहा है या आ रही है। तो डेविल अच्छा कि देवता, देवता या देवी चाहिए ना लाइफ में, प्योर पर्सन चाहिए कि डेविल ही चाहिए? तो बेसिकली क्या है, यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी इसको क्या हो रहा है कि मुझे चेज करना है, मुझे वापस लाना है, वो चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें पागलपन का भूत है, अभी रुक जाओ और भगाओ इसको अपने पीछे, जितना भगाना है भगाओ। दीदी अभी तक आया नहीं, आएगा 2 मिनट, आप 2 मिनट बोल रही हो, लगता है किसी का 2 मिनट में कॉल आने वाला है, बट थोड़े टाइम रुक जाओ, थोड़े टाइम में आएंगे। बस अभी आप पहुंचे, अब आपके पार्टनर जो है अब पहुंचे, जो आप लोगों के लिए लाइफ में ना सिचुएशन ही बदल रही है, पूरा सिचुएशन आप लोगों के फेवर में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इंसान सुधरेंगे और आपके सामने, क्यों क्यों पता चल रहा है सुधरेंगे? क्योंकि ये आपके सामने आकर खड़े ना, माफी मांग रहे, सॉरी गलती हो गई। लेकिन ये कार्ड तो आपने खुद देख कर निकाला था। नहीं भाई, मैंने नंबर याद किया हुआ, मेरे दिमाग में ना बार बार 13 नंबर चल रहा था, 13 नंबर। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ये 13 नंबर अनाउंस नहीं किया और मैंने ना अपने डेक में से वो 13 नंबर कार्ड निकाला, क्योंकि मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि वो मुझे उससे कार्ड से कनेक्ट करना है। तो ये 13 नंबर कार्ड है, जब मैं काउंट कर रही थी तो मैं 13 नंबर ढूंढ रही थी उसको, ठीक है, समझा कुछ? तो ये मैंने ऐसे फ्रेम देख के नहीं चुना, कार्ड नंबर देख के चुना, क्योंकि मेरे दिमाग में वो नंबर चल रहा था, ठीक है। तो ये गलतियों की माफी मांगेंगे, अब आपके पीछे पीछे लल्लू बच्चू करेंगे, बट क्या आपको फर्क पड़ता है? नहीं दीदी, अभी इतना फर्क नहीं पड़ता, पड़ना भी नहीं चाहिए, अभी रिलैक्स रहो, चिल करो, आगे बढ़ते रहो, अब तो बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अब लाइफ में अबंडेंस आएगी, बस इस अबंडेंस को आप कितना ग्रेसफुली और ग्रेटफुली एक्सेप्ट करते हो वो आप पर निर्भर करता है। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके क्लेम कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फाइनली हम लोगों की चीजें बदल रही हैं, हम लोगों का यूनियन हो रहा है, फाइनली हम लोग सबके बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, फाइनली हमारी जिंदगी अब खुशियों से भरने वाली है। लिख देना ये कमेंट में, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, सच में लिख देना, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और कोई अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट भी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश यानी कि व्हाट्सअप लैंग्वेज में आप लोग उसमें टैरो कार्ड रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हो, खुद कार्ड्स पिक कर सकते हो और अपनी रीडिंग देख सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप लोग उसको भी चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वेबसाइट का चेकआउट कर सकते हो, डिटेल्स लिंक उसमें ही मौजूद है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम सई राम।